हाय गाइस, तो आज एक शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ ये स्लैब कॉन्क्रीटिंग से रिलेटेड। उसमें सबसे पहले आपसे मैं डिस्कस करता हूँ स्लैब लेवलिंग के बारे में, और दूसरी बात है जो आपको कॉन्क्रीट का स्लम क्या रखना है अगर आप हाई राइज बिल्डिंग पे टॉप स्लैब का कास्टिंग कर रहे हैं तो। एंड थर्ड वन जो नीडल वाइब्रेटर है, नीडल वाइब्रेटर का यूजेस और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो फर्स्ट वन इज स्लैब लेवलिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस के जैसा आपको यहाँ पर स्लैब लेवलिंग दिख रहा है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हाफ पोर्शन थोड़ा शाइनी दिख रहा है, मतलब ये पोर्शन जो है वाटर पूरे सरफेस पे अच्छी तरीके से स्प्रेड है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। लेकिन वो पोर्शन में पानी कुछ कुछ जगह पे जमा हुआ है, कुछ कुछ जगह पे जमा नहीं है, तो मतलब वहाँ पर कुछ लेवल में डिफरेंस है। ये पार्ट के कंपैरिजन में वो पार्ट में लेवल जो है इतने अच्छे से फिनिशिंग नहीं है, बट दिस ऑल पार्ट इज हैव अ बेटर फिनिशिंग। ये पोर्शन के लेवलिंग के लिए हमने हर साइड पे एक लेवल मार्किंग करके रखा हुआ है, ताकि आपके स्लैब के लेवल में जो है वो डिफरेंस नहीं होगा उसकी वजह से। दूसरी बात, जो ये नीडल वाइब्रेटर है, नीडल वाइब्रेटर वो है 60 mm का। 60 mm नीडल वाइब्रेटर जो है हम लोग सिर्फ कॉलम और बीम में वाइब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली वाइब्रेटर का पर्पस ये होता है कि जो आपके कंक्रीट में वॉइड्स होते हैं, कंक्रीट ये पाइप के थ्रू ट्रैवल करके नीचे से ऊपर तक आ रहा है, जो कि हम 23rd स्लैब का कास्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एयर कुछ वॉइड्स आ जाते हैं। अगर वो वॉइड्स तो आप लोग नहीं निकालेंगे तो आपका जो कंक्रीट है वो अच्छी तरीके से बीम के अंदर फिक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके कंक्रीटिंग की स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस आएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं ये इधर पे वाइब्रेटिंग और नीडलिंग हो रहा है, कि वो कैसे नीडलिंग कर रहा है, बीम के अंदर आपको डालना है ये इस तरीके से। मोस्टली और हार्डली आपको 3 to 4 सेकेंड में जो है वो एयर जो है वो निकाल देता है, तो लेकिन ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। ये जिस तरीके से ये यहाँ पर नीडलिंग हो रही है, अंदर जाने दो, हाँ ये प्रॉपर तरीके से आप माल प्रॉपर फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से, तो ये नीडलिंग इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको स्लैब का जो थिकनेस है वो 125 mm है, तो उसमें 60 mm के नीडल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसमें 25 mm या 40 mm का नीडल भी यूज़ कर देख सकते हैं। जैसे स्लैब के नीडलिंग वहाँ पर रखा हुआ है तो वो सफिशेंट है। और थर्ड वन, कंक्रीट का जो स्लम्प है, अगर आपकी जनरल प्रैक्टिस के हिसाब से कंक्रीट का स्लम्प 100 mm रखते हैं या 120 mm रखते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कंक्रीट पास द टोटल रोथ एंड वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ तक आपको कंक्रीट चाहिए। बीच में आपका पाइपलाइन चौकअप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी कंक्रीटिंग जो है वो डिले हो जाएगी, और वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कि ड्यूरिंग कंक्रीटिंग जो है आप पाइप खोलें, उसको सही करें, उसको क्लीनिंग करें, फिर वापस से आप कंक्रीटिंग करें, तो इट इज़ नॉट गुड। तो आप स्लम्प उसको हाई रखें। जैसे ये जो मटेरियल आपको यहाँ पर डंप हुआ दिख रहा है, ये कोलैप्स मटेरियल है, इसका स्लम्प अप्रॉक्स 180-190 mm है। इसका स्लम्प टेस्ट भी हमने किया है, लेकिन उसको मैं कवर नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। बट बहरहाल दीज 3 पॉइंट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे प्रेशर इंजीनियर्स के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट ये गाइस आपसे कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं मेरी, आपको मेरे पॉइंट नॉलेजेबल लगते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो होपफुली मैं उसका रिप्लाई कर सकूँगा या उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकूँगा। थैंक यू सो मच।